नमस्कार दोस्तों, ज्यादातर लोग हिंदू काल गणना को मान्यता नहीं देते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। आज हम इस वीडियो में दिन के प्रहर और मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। हम जो यहाँ जानकारी दे रहे हैं यह सूर्य सिद्धांत पुस्तक से ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है और रात सूर्यास्त से सूर्योदय तक होती है। आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय के बीच के काल को अहोरात्र कहा जाता है। वैसे पारंपरिक रूप से इसको अनवरत कार्य के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी काम में लगातार जुटा हुआ है तो हम कहेंगे वह तो अहोरात्र काम कर रहा है। अभी बोलते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। प्रश्न यह है कि एक दिन में कितने प्रहर होते हैं और हर प्रहर में कितने घंटे होते हैं। प्रहर यानी पहर हिंदी प्रहर का शब्द है जो पहरा देने और पहरेदारी के संबंध में भी प्रयोग होता है, जो संस्कृत में प्रहरी शब्द का ही एक रूपांतर है। एक प्रहर राजाओं के समय में प्रहरियों के लिए एक बार का कार्यकाल होता था, यानी हर प्रहर में द्वारपाल बदला जाता था। आमतौर पर वर्तमान में सेकंड, मिनट, घंटे, दिन रात तक ही प्रचलित धारणा है। हिंदू धर्म में एक अणु यानी सेकंड के लगभग 16,000वें हिस्से से लेकर और ब्रह्मांड के अंत तक की कल गणना निर्धारित है। साथ ही सभी लोगों का समय अलग अलग है। हम लोग केवल एक ही प्रहर के बारे में जानते हैं, वो है दोपहर। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्र में एक दिन में कुल 8 प्रहरों की बात की गई है, जिनमें से दिन में 4 और रात में 4 प्रहर होते हैं। एक प्रहर करीबन 3 घंटे का होता है। अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं। 8ों प्रहर के नाम इस प्रकार हैं। दिन में 4 प्रहर होते हैं, पूर्वाह्न, मध्यान्ह, अपराह्न और सायंकाल। रात के 4 प्रहर होते हैं, प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा। हम यहाँ दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से मानते हैं। सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। इसका समय सुबह के 6 बजे से 9 बजे के बीच का होता है। यह प्रहर आंशिक रूप से सात्विक और राजसिक होता है, लेकिन नकारात्मक नहीं। इस प्रहर में सोना या संभोग करना वर्जित है। इस प्रहर में क्रोध कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका मन और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही भविष्य भी खराब होता है। इस प्रहर में कटु वचन कहना या गृह कलह करना वर्जित है। इस प्रहर में घर में गंदगी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रहर में घर में चंदन और गुलाब वाली सुगंध फैलाई जाए तो सुख और शांति बनी रहती है। दिन के दूसरे प्रहर को मध्याह्न कहते हैं। यह प्रहर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का रहता है। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रहर में अगर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाया जाए तो संपत्ति का लाभ मिलता है और कर्ज से मुक्ति या राहत मिलती है। हालांकि इस प्रहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। दिन के तीसरे प्रहर को अपराह्न कहते हैं। यह समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच का रहता है। यह तमोगुणी समय होता है। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना और स्नान करना उचित नहीं। इस प्रहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान उत्पत्ति की समस्या दूर होती है। दिन के चौथे प्रहर और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच का समय सायंकाल का होता है। इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से बचना चाहिए और कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों में जल डाला जाए तो माता और पिता का बच्चों के साथ उनका संबंध मधुर रहता है। रात के प्रथम प्रहर को प्रदोष काल कहते हैं। शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक का समय रात का प्रथम प्रहर होता है। इस प्रहर में सत्वगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार के तामसिक कार्य करना वर्जित है। क्रोध, कलह और बहस करना वर्जित है। इस प्रहर में भोजन करना और सोना वर्जित होता है। इस प्रहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर के पूजा स्थान पर घी या तिल के तेल का दीपक जलाना अच्छा रहता है। रात के दूसरे प्रहर को निशित कहते हैं। यह प्रहर रात के 9 बजे से रात के 12 बजे के बीच का होता है। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों की गुणों की प्रधानता होती है।
लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। इस प्रहर में भूलकर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही किसी वृक्ष को छेड़ना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रहर में बने भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएंगे तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। रात के तीसरे प्रहर को त्रियामा कहते हैं, जो 12 बजे से रात के 3 बजे के बीच का होता है। इसे मध्य रात्रि भी कहते हैं। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक माना गया है। यह समय पूर्ण विश्राम का ही होता है। इस प्रहर में भोजन, स्नान या ध्यान करना वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना होता है। इस प्रहर में प्रार्थना करने से वह तुरंत फलदायी होती है। अगले प्रहर को उषा काल कहते हैं। रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच के समय को रात का अंतिम प्रहर भी कहते हैं। यह प्रहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है। इस प्रहर में भी अन्य जल ग्रहण करने से बचें। इस प्रहर में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा अर्चना या ध्यान करने से लाभ मिलता है। अगर इस प्रहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये दोस्तों 8 प्रहर की संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद।